अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। इस वक्त मैं मियो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। लाहौर का एक बहुत ही मशहूर सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर कोरोना के 2-3 मरीज भी यहाँ पर दाखिल है। तकरीबन 2 रोज़ कबल एक खबर चली थी कि यहाँ पर एक मरीज जो है कोरोना की वजह से अभी दम तोड़ चुका है, मर चुका है, लेकिन वो खबर फेक थी, जाली खबर थी। मेरा यहाँ पर आने का मकसद और आप लोगों से बात करने का मकसद इतना है कि जहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं कोरोना के हवाले से मास्क के ऊपर, सैनिटाइजर्स के ऊपर महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जहाँ पर 50 रुपये का सैनिटाइज़र मिल रहा था वो अब तकरीबन 150-200 का हो चुका है, और 500 वाला सैनिटाइज़र जो बड़ी बोतल होती है वो 5000 तक पहुँच चुकी है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खिदमत खल्क में बहुत आगे हैं, मतलब एक मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ, मुबशर मेडिकोस के नाम से ये मेडिकल स्टोर है और इनके मालिक है शेख तायर साहब। उन्होंने यहाँ पर बाहर भी बोर्ड लगाया हुआ है और बाकायदा यहाँ पर आने जाने वालों को रोक के कहा जाता है कि आप अपने हाथ यहाँ से साफ़ कर लें। जो लोग सैनिटाइज़र खरीद सकते हैं उनको जो लोग दे रहे हैं, जो लोग नहीं खरीद सकते उनको ये मुफ्त फराहम कर रहे हैं और मौके पर उनके हाथ धुलवा रहे हैं। यही है कि आप आवाम की खिदमत करें, ये वायरस जो है मतलब एक आम वायरस नहीं है, इससे निपटना आसान नहीं है। बड़े बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की बात मैं कर रहा हूँ, अमेरिका से लेकर यूरोप कंट्रीज, इसके अलावा चाइना जैसे ममालिक तबाह हो चुके हैं। खैर, वो रिकवर भी कर रहे हैं, हम भी रिकवर कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी खिदमत करके।